Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो जनाब, आज की जो अखबारात की हेडलाइंस हैं वो वही हेडलाइंस हैं जो हम आपसे इंट्रो में जिक्र कर रहे थे कि हलचल तो है, नैब एक्टिव तो है। बिल्कुल, डार साहब के हवाले से ये खबर है कि डार के तमाम असासे मुंजमद और अदालत में नैब पेश करदा दस्तावेजात के मुताबिक इसहाक डार की 2 मुल्की और 3 गैर मुल्की कंपनीज में सरमायाकारी है। अच्छा, इनकी जो भी जायदाद है, चाहे वो पाम जमीरा में है या फिर वो पार्लियामेंटेरियंस में इनक्लेव में इनके जो भी बैंगलोज हैं या इस्लामाबाद में इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको मुंजमद कर दिया गया है। और जब तक ये अपनी तमाम चीज़ों को प्रूफ नहीं करते हैं, जब तक इनको ये पता नहीं लग जाता, ये नैब को तहफ़ुज़ात से आगाह नहीं कर देते हैं, तब तक इनकी जो असासे हैं ये मुंजमद रहेंगे। और दूसरी जानेब अगर हम बात करें शर्जील नामे से, तो जैसे कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, कहा तो यही जा रहा था कि एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। और दूसरी जानेब अगर आज हम जिक्र करें तो वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो मनाया जा रहा है, और वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ आसफा भुट्टो जरदारी का, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पोलियो के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। उनकी जो मदर थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने इस हवाले से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया था। और 2013 में जो पोलियो केसेस की तादाद थी वो थी 203 के करीब, लेकिन अब 2017 में जो ये केसेस हैं वो केसेस जो हैं तकरीबन 5 हैं, और ये मुख्तलिफ सूबों से हैं ये केसेस। तो इस हवाले से उन्होंने जितनी भी पोलियो टीम्स हैं और पोलियो के हवाले से काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको अप्रिशिएट किया है। और साथ साथ रोटरी इंटरनेशनल जो एक फाउंडेशन है, एक तंजीम है जो कि पाकिस्तान में सर्जीज और पोलियो के हवाले से मददगार साबित होती है, उसको भी अप्रिशिएट किया है। जी तो जनाब, ये ढेर सारी खबरें आज यहाँ पर भी एक्सप्रेस में भी मौजूद हैं। और एक्सप्रेस की अगर कुछ खबरों में सबसे पहले हम बात करें करप्शन केस के हवाले से, तो शर्जील मेमन की कल गिरफ्तारी अमल में आई, जिसके बाद हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बहुत ही ज़्यादा शोर और वादिला मचाया, जिसके बाद उनका ये कहना था कि हम लोगों की जानिब से तो गिरफ्तारी दे दी गई है लेकिन हमारे साथ इंतकाम किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर आप नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को देखें तो मरियम नवाज तो इस तरह से आती है जैसे रेड कार्पेट पर आ रही है, जिस तरह का प्रोटोकॉल उन्हें मिलता है और जिस तरह से वो अदालत में होती है, कहीं से नहीं लगता कि वो पेशी हो रही है या वो मुल्ज़िम है। तो कल हमने देखा कि जहां पर शर्जील मेमन की गिरफ्तारी हुई वहीं पर जो इनाम अकबर है उनकी जमानत को भी मंसूख कर दिया गया, उनके साथ साथ बहुत से और दीगर रहनुमाओं को जो है वो कल गिरफ्तार किया गया। एक तो ये खबर जो है वो कल बड़ी गर्दिश करती थी, बड़ी अहम खबर थी जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के भी काफी बयान सामने आते रहे। लेकिन दूसरी जानिब आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रेक्स टिलरसन आज पाकिस्तान आ रहे हैं, अफगानिस्तान के बाद बिलाखिर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन उनका मौकफ जो है वो आने से पहले ही वाजे कर चुके हैं। जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि हम पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करने जा रहे हैं, यानी एक बार फिर से जो मुतालबात किए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान को मजीद कोशिशें करने, मजीद सराहने के लिए ही ये मुतालबात किए जाएंगे। जबकि पाकिस्तान की जानिब से आपको बताएं कि उन्होंने पूरा प्लान कर लिया है कि जनाब डू मोर का जवाब सिर्फ नो मोर से ही जाएगा। तो ये अहम बयान और ये अहम जो केसेस हैं आज सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान और जहांगीर तरीन का भी केस जारी है, कल भी हमने देखा कि इमरान खान के केस की समाप्त हुई, जिसके बाद अदालत जो है वो बहुत ही ज्यादा वाज़े तौर पर ही बात कह रही है कि इमरान खान की नीयत के ऊपर इस वक्त काफी ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। बदनीयती का जो एक मिसाल है वो इसी तरह से है कि अगर हम चिराग लेकर सूरज को ढूंढने निकले, तो इस तरह के भी बयान कल सामने आते रहे। तो ये अहम खबरें जो है वो आज एक्सप्रेस से। अच्छा, आज एक पॉजिटिव जो है एक्टिविटी वो ये है कि रेक्स टिलरसन तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो हम उनको किस तरीके से मजीद कन्विंस कर सकेंगे, क्योंकि आगे जाके उन्होंने भारत में फिर वही सिचुएशन कह देनी है। और दूसरी बात, इमरान खान साहब के हवाले से तो देखें उनका केस जो है वो लगा हुआ है, उसमें क्या पेशरफ्त होती है, क्या अगर ये केस उनका वैलिड होता है तो फिर 26 अक्टूबर को उनको पेश होना है, तो फिर उनकी ये पेशी जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। अगर ओवरऑल बात की जाए, आज के अखबार की समरी ओवरऑल देखी जाए, तो यहाँ पर जितनी भी समरीज हैं, यहाँ पर जितनी भी खबरें हैं, लीड्स हैं, वो डेफिनेटली पनामा केसेस के हवाले से हैं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के ऊपर केसेज हुए उस हवाले से हैं। और यहाँ पर एक खबर है नवाज शरीफ के हवाले से, जो मैंने इंटरव्यू में बताया कि वो पाकिस्तान आएंगे और प्लान उनका थोड़ा सा चेंज हो गया, अब वो जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद देखना ये है कि वो पेश होने के बाद क्या क्या मजीद कार्रवाई अमल में आती है। अच्छा, सलमान बलोच के हवाले से जो खबर है, कल भी हमने देखा कि एमकेएम के रहनुमा जो है हमारे साथ बैठे हुए थे, हम उनके बारे में ओवरऑल बात कर रहे थे, तो उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से कल भी हमने देखा कि तज्जिए चलते रहे, खबरें चलती रहीं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से अब ये बात सामने आई है कि वाकई में उनके साथ में शायद कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही वुज़रा के साथ में भी लड़ रहे हैं और साथ साथ वो एंकर पर्सन के साथ भी लड़ाई
लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट आपके साथियों से हो सकते हैं लेकिन एंकर पर्सन ने उनका पता नहीं क्या बिगाड़ा है। बिल्कुल जनाब, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पिशावर के हलका एन ए 104 में आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है। इस हवाले से आज न्यूज की स्पेशल जो ट्रांसमिशन है हलका तहलका खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे आज न्यूज की स्क्रीन पर, और कारकुनान जो है वो अपनी जमात की कामयाबी के लिए भी इस वक्त बहुत पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हम बेस्ट विशेस देंगे इमरान सुल्तान को जो वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद है और लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिन नजर। उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में यानी कि शहर इक्तदार आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही है, और यासिर ये भी बताएगा कि रात को जो फैसल मस्जिद है वहां पर उसको गुलाबी रंगों से सजाया गया, क्या मनाजिर थे देखा आपने? जी बिल्कुल, पहले तो आपको रात का जो मंजर हम तकरीबन एक माह से ये देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहें जिनको यही रंग दिया जाता है, और इसी हवाले से जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो आगाही मुहिम है उसकी आगाही के लिए फैसल मस्जिद को भी कल खूबसूरती से सजाया गया था और वो रंग हमें रात को भी नजर आए। इसके साथ आपको जो आज दिन के मामूल के केसेज हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन में आशा गोला लई की केस की जो समाअत मुकम्मल हुई थी डी सीट करने के हवाले से, जो इमरान खान की दरख्वास्त है उस पर फैसला आज सुनाया जाना है। इसी तरह जहांगीर तरीन के जो नायली के हवाले से केसेज है उसकी भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, और साथ साथ आपको ये भी बताएं हनीफ अब्बासी के जो एफिड्रीन केस है उस हवाले से भी केस की समाअत होती है, और दूसरा जो अमेरिकन वजीर खारजा हैं आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे और मुख्तलिफ जो सियासी और अस्करी क्यादत है जराए हमारे कह रहे हैं कि उनसे उनकी मुलाकातें आज मुतवक्के हैं, क्योंकि कल का जो उनका बयान है अफगानिस्तान के बाद उसके बाद यहाँ पर भी सियासी हलचल हमें दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ जो सेनेट की कायमा कमेटी और कौमी असम्बलीज की जो कायमा कमेटी और जो दीगर सियासी एक्टिविटी इस्लामाबाद में जारी होंगी, और इसके साथ आपको ये भी बताएं क्योंकि जो खत्म नबूवत के हवाले से जो रैली है वो भी आज इस्लामाबाद पहुँच रही है, जिसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं, और दूसरी तरफ आज शहर इक्तदार का मौसम भी हमेशा की तरह हल्की सर्दी की तरफ जा रहा है, और सुबह सुबह धूप निकलने से जो मौसम है खुशगवार भी। यहाँ से नजर अपडेट कर रहे थे आपका बहुत शुक्रिया। शहर का मौसम तो सर्दी की तरफ जा रहा है, कोयटा में भी सर्दी आ गई है, लोगों ने स्वेटर्स निकाल लिया और चिकन कॉर्न सूप का रुख भी कर लिया है। आगे बारिश हो गई है और बात करेंगे लाहौर की। हाँ जी मरी में बर्फबारी शुरू हो गई है, बात करेंगे लाहौर की, और लाहौर में हमेशा की तरह मौजूद होती है हुमा भट्ट, और हुमा भट्ट अब मौसम की बात हो रही है तो सबसे पहले मौसम का अहवाल बताइए और फिर मजीद कुछ एक्टिविटीज के बारे में। जी मौसम का हाल, आज तो धूप निकली हुई है लेकिन मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, सुबह से ही जिस तरह हमें स्मोक सी फील होती है सुबह तो वही दिखाई दी हम लोगों को, लेकिन इस वक्त क्योंकि हवा भी चल रही है और साथ में धूप भी है मौसम अच्छा है, और उम्मीद तो यही है कि जल्द ही सर्दियाँ जो है वो आ जाएंगी और गर्म कपड़े जो हैं वो निकालने पड़ जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस मौसम को क्योंकि अभी ये खुला मौसम जो कि आपको सभा को पता चल ही जाएगा चल चुका होगा खुला मौसम जो है वो क्या होता क्या होता है तो खुला मौसम जो है अभी है, तो बहुत अच्छी तरह इन्जॉय कर रहे हैं इस मौसम को हम लोग। तो इसके बाद मौसम के साथ साथ आज दिन का आगाज़ जो है वो होगा पंजाब असम्बली के सेशन के साथ, तो सेशन में आज यहाँ पर फिर वही बयानबाजी के सिलसिले जारी रहेंगे, राणा सनाउल्ला आते हैं और वो कोई ना कोई बयानबाजी जो है वो करते हैं, और उसी के ऊपर महमूद रशीद जो है वो भी जारी रहते हैं, उनकी तरफ से भी जुमलेबाजी जो है वो हमें दिखाई देती है, आज भी वहाँ पर दिखाई देगी यही सब चीज़ें, और आगाज़ इसी पंजाब असम्बली से किया जाएगा। कल हम लोगों ने देखा मरियम नवाज़ जो है उन्होंने एन ए 120 का जो दौरा किया और जितने भी अपने बल्दियाती नुमाइंदे थे और साथ में जितने भी पार्टी रहनुमा थे उनसे मुलाकात की है, तो आज भी उनकी इसी हवाले से एक्टिविटीज़ रहेंगी एन ए 120 या फिर बाकी जो जितनी भी जगह हैं वहाँ पर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी, और उसके साथ साथ शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रही थी सियासी एक्टिविटी जगह, लेकिन जो खुले मौसम का आपने जिक्र कर दिया है ना, सभा को पता चले ना पता चले मुझे जरूर पता हमेशा जब भी हम जाते हैं तो मौसम बहुत ही खुशगवार होता है, स्पेशली जब दिसंबर की तरफ हम अपना कदम बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे तो बड़ी याद आ रही, कोई पता नहीं सभा आपको कुछ दिनों तक अकेले ही शो करना पड़े, मैं छुट्टियों पे चली जाऊं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिर हम दोनों चलेंगे और वहीं से शो करेंगे, लेकिन मैं इंडोर बैठ के शो करूंगी, मुझे आउटडोर में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए जी गुड मॉर्निंग, आज में हुआ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब आज शहर भर में और इवन पाकिस्तान भर में और इंटरनेशनली क्या कुछ हो रहा है ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अखबारात के एडिटोरियल्स में आज क्या कुछ है, कौन से मौजूद जेरे बहस हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे इस वक्त मौजूद है नफीस नईम साहब, जो कि डू मोर के मुतालबे के साथ एक बार फिर से हमारे साथ। जी नफीस साहब,
डू मोर का मुताला मेरा नहीं है, लेकिन वही एक ही गर्दान जो अमेरिका की है। जी हाँ बिल्कुल, जो रेक्स टिलरसन पाकिस्तान आ रहे हैं वो इसी मुतालबे के साथ आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बारे में बड़ा सुना था, बड़े इबहम थे कि क्या कर रहे हैं अमरीका, क्या 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 है कि जनूबी एशिया के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से उसकी पॉलिसी क्या है। वो पॉलिसी सामने आ जाएगी टिलरसन के आने के बाद, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान में जो अपने ये बयान जो दिया है वो इंतहाई ख़तरनाक है। उन्होंने भारत को तो वो कह दिया कि स्ट्रेटजिक पार्टनर है हमारा, और ना सिर्फ जनूबी एशिया के हवाले से बल्कि उससे भी आगे उन्होंने वॉचडॉग भी बना दिया, भारत को पाकिस्तान नज़र रखने के लिए भी कह दिया है, और साथ में पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान को अपने जो अपने अंदर जो दहशतगर्द पनप रहे हैं, जिन जो समझते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए महफूज पनागाह है, उनके खिलाफ एक्शन लेना है, ना सिर्फ तालिबान बल्कि दीगर शरपसंदों के, और यही जो है ये कंडीशन है पाक अमेरिका ताल्लुकात की। यानी कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात कंडीशनल बेस हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है, और वो कंडीशन बेस अप्रोच क्या है कि वो कोई कुछ नहीं बताएंगे कि उनका अगला एक्शन क्या होगा। इससे पहले हमने देखा कि रेक्स टिलरसन ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान पर अमेरिका स्ट्राइक भी कर सकता है, तो ये खतरनाक मैंने अब ये जो बयान उनका कि भारत जो है वो उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात है वो कंडीशन बेस हैं, दिस इज अ बैड मोमेंट फॉर द पीस ऑफ द रीजन। रेक्स टिलरसन आ रहे हैं और अमरीका का एजेंडा भी किसी से ढका छुपा नहीं है, भारत को वो साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल वाजह है कि पाकिस्तान के बगैर ना तो अमन मुमकिन है और ना ही ये दोनों जो ममालिक हैं ये पाकिस्तान को डिग्रेड कर सकते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान जहाँ पे भी दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकता है वो मंजर आम पे लेके आ जाता है। पहले अभी देखा आपने कि अंसारुल शरिया के हवाले से सीटीडी और रेंजर्स ने जो भी कार्रवाई की उसका पूरा रिट्रीव वीडियो दिखाया, प्लान बताया, तो हम तो बताते हैं कि जी हमने यहाँ मारे, इतने मारे और ये सारा कुछ है। उसके अलावा दूसरी बात ये कि अगर रेक्स टिलरसन की बात करें तो आज आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब हमको अपनी पॉलिसी कितनी वाजह खुलकर सामने रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भारत जाना है? देखिए सबा, भारत जा रहे हैं, हमारी पॉलिसी वाजह। आपने अंसारुल शरिया की बात की, मैं तो वो पाँच जो कैनेडियन आजाद थे, जो अमेरिकी खातून थी, उनको जो कैनेडियन फैमिली थी बात की, जो पाकिस्तान ने जिनको रिकवर किया और बाकायदा अमेरिका को खुद डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ करनी पड़ गई। सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान में तो आप बैठे हैं, अफगान फोर्सेस एक्टिव हैं, आप बॉर्डर पाकिस्तान से वो कैसे चले गए, पाँच साल कैप्टिविटी में कैसे रहे, फिर पाकिस्तान ने एक्शन लिया, डू मोर की जरूरत किसे है, हमें है या उन्हें खुद है? नफीस साहब आप यहाँ पे, बल्कि मैं इस सारी दौरानी में जो भी इतलात आती रही, जो भी बातें गर्दिश करती रही, उसमें यही तासुर दिया जा रहा है कि हालात बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कि जब से हमारे वजीर खारजा ने वहाँ का दौरा किया है, जब से ये कैनेडियन फैमिली की बाजियाबी हुई है, उनकी तरफ से बड़ी अप्रिसिएशन है और इसलिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेहमान भी होते हैं जो आपके घर आते हैं तो सिर्फ ये जानने के लिए आते हैं कि आपके घर में हो क्या रहा है और क्या आप उनसे करवाना चाह रहे हैं, ना कि ये कि वो आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। तो ये सिचुएशन बड़ी वाजह हो रही है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन अमेरिका अपने स्टांस पर बिल्कुल पक्का और मजबूत तौर पर खड़ा है कि पाकिस्तान से वो डू मोर का मुतालबा करेगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस बात को बड़ी बार वाजे कर चुका है कि हमने अब नो मोर करना है, इस बार उनके दौरे में और स्पेशली अब दिसंबर में हम देख रहे हैं जेम्स मैटिस भी आ रहे हैं, उनको भी पाकिस्तान वेलकम कर रहा है, अपने मौकिफ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए? देखिए पाकिस्तान ने तो एक बात तो वाजे कर दी है कि अब डू मोर के मुतालबे पे हमें नो मोर कहना है, हमने अब उस तरह सरेंडर नहीं करना है कि जी सर हमने ये कहा। हालांकि ख्वाजा आसिफ के बयान के ऊपर अंदरून जो मुल्क में भी काफ़ी नुकतोचनी की गई, तनकीद की गई कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पाकिस्तान अपने जो वसाइल हैं उनसे ज़्यादा काम कर रहा है। आप देखें 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो हमें हमेशा बॉर्डर मैनेजमेंट का ऑप्शन हमने ही दिया है। 1000 पोस्ट आपकी हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, अफगानिस्तान की 200 पोस्ट हैं, 2 लाख के करीब फौजी आपकी गार्ड कर रहे हैं उस बॉर्डर को, पाकिस्तान कौन कर रहा है ये? पाकिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के रहते हुए, अफगान फौजियों के रहते हुए जो है वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान पे करते हैं, तो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है। 2.7 मिलियन रेफ्यूजीज़ को हमने पना दी हुई है, जिनके 44% जो है अनडॉक्यूमेंटेड है, वो हमारे लिए तो पहले ही बेशुमार मसाइल हैं। आपको तो हमें असिस्ट करना चाहिए, हमारी मदद करना चाहिए, ताकि उल्टा आप हम पर इल्जाम लगा के, वही है ना कि पाकिस्तान की वैल्यू पता है ना, पाकिस्तान के फोर्सेस के जितने भी इकदामात होते हैं वो उनको पता है, वो इसीलिए भारत का प्रेशर हम पर डाल के रखते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान के ऊपर हमारा प्रेशर बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकन फौजी जो है वो नाकाम हुए बुरी तरीके से और वो ये मानते नहीं है, बिल्कुल हर जगह बिल्कुल, और ये मानते भी नहीं है। चलिए जी, नो मोर की जो बात थी, जो आवाज़ थी, वो हमने आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उठाई थी और उसके बाद वो आवाज़ जो है सियासतदानों और दीगर गुजरा तक पहुंच गई, तो नफीस नईम साहब बड़ा खुश हो रहे हैं क्योंकि ये आवाज जो है इन्हीं की तरफ से उठाई गई थी। जमहूरियत में क्या हो रहा है? इसके अलावा नफीस साहब, मजे की बात ये भी है कि रेक्स टिलरसन वही है जो अगस्त में पाकिस्तान के अगेंस्ट ये बयान दे चुके हुए हैं कि पाकिस्तान अगर हमारा इस तमाम मामले में साथ नहीं देगा तो जो नॉन नेटिव
तोहफे ऐसी जमहूरियत पर उसका ये है, ये उस जमहूरियत की बात कर रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है कयास आ रहा है, एक दूसरे पर नुकता चीनी की बात कर रहे हैं। वही उन्होंने इसको मैं कहता हूँ सार्कज़्म है या सटायर है, क्या है ये आर्टिकल, लेकिन बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। इस हवाले से है कि पाकिस्तान, वो कहते हैं कि आप दीगर ममालिक में कुछ अमराज हैं, बीमारियाँ हैं, कि उनके यहाँ हमेशा जमहूरियत के बारे में वो कहते हैं रेफरेंडम कराने का मसला होता है, कहते हैं इसका इलेक्शन करवा दें, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा डेविड कैमरॉन को देख लें, ब्रेग्जिट के हवाले से उन्होंने वादा किया था कि मैं जीतने के लिए कि मैं इस पर इलेक्शन रेफरेंडम करवाऊंगा, अब उनको नहीं करवाना चाहिए था, इसलिए कि बकौल उनके कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादे कोई इल्हामी थोड़ी होते हैं, आप उस पर क्यों अमल कर रहे हैं, मगर क्योंकि वो पाजारी क्यों उन्होंने अपने वादे की उन्होंने करवाया और आधा बरतानिया आज रो रहा है। इसी तरह उन्होंने स्पेन का जिक्र किया, उन्होंने जापान का जिक्र किया कि जापान में जंग दोम के दौरान जो है वो 7 वजीर आजम को तब्दील किया गया, अब तक 35 वजीर आजम तब्दील हो चुके हैं, लेकिन किसी और सिर्फ 5 ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, शायद उनकी लुगत ने मुझे क्यों निकाला है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं, हमारे यहाँ ये एक माइंडसेट है कि मैं वोटों की कुव्वत से आया हूँ, मेरा पूरा इस्तेहकाक है, मेरा हक है कि मैं 5 साल मुकम्मल करूँ, और जब निकाला जाता है तो फिर शोर शराबा होता है। और वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह के जो ममालिक हैं, जहाँ इस तरह कैटलोनिया की भी उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा इस तरह की अगर आपने ये चित्रौल की बात की है कि पाकिस्तान या भारत या इसराइल से आप रब्ता करें, क्योंकि डॉक्टर तब्दील करने से भी बहुत अफवाह होता है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना मुझे क्यों निकाला, अब ये इतना फेमस हो गया है कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, जो गाड़ी निकलती है ना उसके पीछे लिखा होता है जी मुझे क्यों निकाला। खैर, अगर बात करें हम जमहूरियत के हवाले से, तो मरियम नवाज जो है इस दफ़ा थोड़ी सी उनके अंदर नरमी नजर आई, और हमजा शहबाज के हवाले से भी उन्होंने कहा जी मेरे छोटे भाई हैं, और जो भी नाकदीन ऐसा कहते हैं कि जी कोई फूट पड़ने वाली है, वो बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, और साथ साथ उन्होंने इस दफ़ा जो फोर्सेज हैं उनकी कुर्बानियों को भी सराहा। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि तजब्बुब क्या है नून लीग के अंदर, कभी आप आके फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं, छक्का मार देते हैं, फिर आप अपने ही छक्के को कैच कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं जी हम आउट हो गए, फिर आप कहते हैं बॉल बाउंड्री के बाहर है, ये क्या सिचुएशन है नून लीग और गवर्नमेंट, अब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब बारह सहाफ़ी और क्या, हर जगह एक छोटे से अगर आप पान वाले के पास खड़े हो जाए, हलीम वाले के पास खड़े, वो भी सवाल करता है कि असल क्या है। सब जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इस वक्त गवर्नमेंट खड़ी है, लेकिन वो अपने मुंह से ये बात नहीं कहते, उनकी कोई उनका बस नहीं चलता कि वो ये बात कहें, मगर उसके जो कंसिक्वेंसेस उसके नतायज भी वो जानते हैं अच्छी तरह। मरियम नवाज ने अब तो ये कह दिया है कि मुझे कोई होप उम्मीद ही नहीं है यानी कि पानामा के फैसले के खिलाफ, तो ये और इदारे और दूसरी चीज़ें ये कहती हैं, एक तो ये कि उन्होंने जो बयान दिया ना, किसी ने सवाल किया था इसी हवाले से 120 की जो वो कहीं थी विजिट पर अपने दौरे पर, तो वहाँ सवाल किया गया कि फौज के हवाले से, उन्होंने कहा कि आर्मी बहुत हम कुर्बानियाँ दे रही है और बॉर्डर पर उसने बड़ा काम किया है, लेकिन दूसरे ही सांस में उन्होंने कह दिया कि इंस्टीट्यूशंस को अपनी लिमिट बनाना चाहिए। ये मैसेज है कि वो किसके लिए बात कर रहे हैं। नफीस साहब, यहाँ पे जो सारी सिचुएशन हमने देखी, जब से पनामा केस चला है तब से समातों का सिलसिला भी हम देख रहे हैं चले जा रहे हैं, और अब सबकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, लेकिन नून लीग के पास जब ये सारी सिचुएशन आई थी तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी नून लीग, और बड़े अप फ्रंट पर आके कह रही थी कि जी नहीं हम एहतसाब के लिए पेश होंगे, हम सामने आएंगे, और अभी भी हम देख रहे हैं कि अपने वादों पर कायम भी हैं, आ भी रहे हैं, अदालत में पेश भी हो रहे हैं, लेकिन जो भी आगे बयानात आ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, आप क्या समझते हैं, जो अब दोबारा नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अभी एक दो दिनों के अंदर उनकी वापसी हो जाएगी, इससे पहले भी जब वो आए थे बड़ी दबंग किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस बार आप क्या समझते हैं, क्या प्लानिंग के साथ आएंगे, क्या मजीद तब्दीलियां पार्टी के अंदर आपको नजर आएंगी, कोई पॉलिसी चेंज नजर आएगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब आने के बाद जो है कुछ हो सकता है कि जो डायरेक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट है ये मजीद इसमें कैंपेन में तेजी आए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पूरी कोशिश कर रहे हैं, खबरें हमारे पास ये भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो जिसे हम कहते हैं कि एक ब्लॉक बने हुए हैं थोड़े बहुत, वो नवाज शरीफ साहब को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लैश में जो है किसी का फ़ायदा नहीं है, और वो इदारे ही कहते हैं, खासकर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स की बात करें डॉन में, ये कहते हैं कि उन फोर्सेस के बारे में जिनको नवाज शरीफ बार बार ललकार रहे हैं, अगर उन्होंने वो ललकार सुन ली तो फिर क्या होगा? सारी अच्छा, और रिफॉर्म्स के बारे में अगर बात करूं मैं, तो नैब को ये जितना क्रिटिसाइज अब कर रही है नून लीग, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस इन्हीं के पास थी 4 साल से, उसमें रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए, उसको बेहतर क्यों नहीं किया? सब यही सवाल करते हैं, ये आपका अकेले का सवाल नहीं है, सब यही सवाल करते हैं कि आप जिस वक्त पावर में थे आपने ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं की, जब आपको और मजे
یہی ہے نواز شریف صاحب اپنی سپورٹ کیوں نہیں لے پا رہے اس جگہ سے کہ سب یہی سوال کرتے ہیں جب آپ کے پاس اختیار تھا آپ نے کیا کیا آج آپ کو نکال دیا تو آپ کو ساری باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کو اس کے اندر خامیاں نظر آ رہی ہیں اور آپ اتنے سوالات اور جوابات کرتے ہیں اچھا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ریاض پیرزادہ صاحب نے جو بیان دیا کہ جی میں نے تو مشورہ دیا تھا اور کوئی بریگیڈیئر تھوڑی ہے جو وہ اس طریقے سے میں نے ان کے بارے میں کہا اور یہ تو ایک مشورہ تھا اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں بھائی ان کے ان الفاظ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ریاض پیرزادہ یہ ایک میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک سین ایک مشورہ ہے اس لیے کہ نواز شریف اس وقت اتنے بحران میں ہیں اب آپ دیکھیں نا سینٹ میں بھی جو ہے وہ بل جس کے اصلاحاتی بل تھا وہ جو اب اس لیے لیا گیا اس کے خلاف 48 ووٹ آیا 49 کے قریب تو اب یہ ایک بڑا اچھا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے بحران سے نکلنا ڈیمیج جو ہو گیا نون لیگ کو نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں اب اگر کلیش کی طرف جاتے ہیں تو نقصان ہی ہوگا پارٹی کو بھی نقصان ہوگا اور حکومت کو بھی یعنی کہ انتظام کو بھی نقصان ہوگا جمہوریت کو نقصان ہوگا اب بہتر یہی ہے کہ شہباز شریف یا کوئی اور بندہ انہیں ریپلیس کر دے تو یہ پھر شاہد خاقان کا بھی اس حوالے سے بیان آیا ان کا کہنے کہ رائے دینا تو جمہوریت کا جمہوریت میں حق ہے اور جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ نفیس صاحب آپ ہمارے اداریوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور آج بڑے اہم اور مزیدار سے اداریے بھی تھے اور ان حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئے گی جو بھی پیش رفت ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ گڈ مارننگ ایڈز ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں سندھ کے سابق وزیر اضلاع شرجیل انعام میمن کے حوالے سے جن کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا انہیں 576 کروڑ روپے کی کرپشن کے کیس میں ضمانت مسترد ہونے پر پیر کی شام گرفتار کیا گیا نیب نے شرجیل میمن سمیت 12 ملزمان کو احاطہ عدالت سے حراست میں لے کر حراستی مرکز منتقل کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں صوبائی محکمہ اطلاعات میں 6 ارب روپے کی کرپشن کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن سمیت دیگر کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی اور نیب کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا گرفتاری سے بچنے کے لیے شرجیل میمن عدالت کے اندر ہی بیٹھے رہے جبکہ نیب کی ٹیم اور رینجرز اہلکار عدالت کے باہر ان کا انتظار کرتے رہے بعد ازاں پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے سندھ ہائی کورٹ میں اپنے وکیل شہاب سرکی کے توسط سے نیب کو گرفتاری سے روکنے کی درخواست عدالت میں جمع کرائی درخواست میں استدعا کی گئی تھی سپریم کورٹ میں اپیل کرنے تک نیب کو گرفتار کرنے سے روکا جائے تاہم چیف جسٹس نے درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی عدالت عالیہ کا وقت ختم ہونے کے بعد فاضل جج صاحبان اور دیگر عملہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گیا تاہم شرجیل میمن اور ان کے وکلا عدالت میں ہی موجود رہے اسی دوران ان کے وکلا نے شرجیل میمن کو نیب کی تحویل میں دینے کے بجائے جیل بھجوانے کی درخواست دائر کی تاہم اس درخواست کی سماعت نہ ہو سکی 5 گھنٹے سے زائد وقت بیٹھے رہنے کے بعد عدالت بند ہونے کی وجہ سے شرجیل انعام میمن کو بالآخر باہر آنا پڑا اور ان کے باہر نکلتے ہی رینجرز اور نیب ٹیم نے انہیں گھیرے میں لے لیا جس کے نتیجے میں سابق صوبائی وزیر کا گریبان چاک ہو گیا سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے سے اس وقت موجود ہیں سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پرسوں عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف کی وکٹ جو ہے وہ گر چکی ہے اور اب زرداری صاحب کی باری ہے تو کیا شرجیل میمن کی گرفتاری کو ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ زرداری صاحب کا پہلا کھلاڑی آؤٹ ہو گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس کا اس کا پورا پورا ضرور کیا ہے خاص قسم کے ذمہ داری صاحب کے تحت اکاؤنٹیبلٹی کورس میں وہ ان تمام کیسز میں بری ہو چکے ہیں اور اب تو کیسز جو چل رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہے ہیں اور یا پھر عمران خان کے خلاف خود چل رہے ہیں عمران خان عدالتوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے خلاف جو بھی جھوٹے مقدمات بھی ہیں تو وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو پہلے تو عمران اپنی باری پوری کر لیں اس کے بعد پھر زرداری صاحب کی بات کریں جہاں تک شرجیل میمن کا تعلق ہے شرجیل میمن پاکستان سے باہر تھے وہ واپس آئے ہیں خود اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ نواز شریف کی پوری فیملی کے خلاف ریفرنسز درج ہو چکے ہیں عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں جی لیکن ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے شرجیل میمن جو اپنے کیس کی کارروائی کا حصہ تھے سامنا کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بہرحال عدالتوں کا فیصلہ ہے انہوں نے ضمانت محسوس کی ہے
और वगैरह का सामना करेंगे भी। सही सर, बड़ी हैरत की बात है कि आप कह रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन वापस आए हैं और बिल्कुल जवाब देने के लिए आए हैं, अपने ऊपर जितने भी इल्ज़ाम हैं एलिगेशन उनको सही प्रूफ करने के लिए आए हैं, उसके बावजूद हमने देखा कि इतनी देर बाद वो पहुंचे अदालत में और एहतसाब अदालत जा भी नहीं सके। अगर दूसरी बात की जाए तो शर्जील इनाम मेमन के हवाले से बहुत ज़्यादा करीबी साथी समझे जाते हैं जरदारी साहब के, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से डॉक्टर आसिम ने दोस्ती निभाई, क्या शर्जील इनाम मेमन भी दोस्ती निभाएंगे? मेरा ख्याल है कि देखें, एक तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब पीपल्स पार्टी की बारी आए तो फिर उसको किसी और रंग में भी देखा जाता है कि जी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो इसलिए वापस आ गए हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसलिए डॉक्टर आसिम की जमानत हो गई, मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन अगर इमरान खान का मामला हो तो फिर वहाँ जो है वो शायद लोगों के जो दलाइल है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। अदालतों में जो चीज़ें होती हैं, मेरा ख्याल है कि उसको पॉलिटिकल डायलॉग से अलग रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर ये बात किसी के जहन में होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपने अदालत निज़ाम के ऊपर कुछ अदम एतमाद कर रहे हैं। एक जो साफ तौर था पहले कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, जिसकी वजह से शायद पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिला हुआ है, तो शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी से कम अज़ कम वो जो एक आर्गूमेंट था वो तो ख़त्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात, मैं नहीं कह सकता कि शायद ऑफिसर भी गलत होंगे, मुमकिन है कोई एक आधा इल्जाम किसी के ऊपर ठीक भी हो। सईद साहब, आप क्या करेंगे? आप क्या पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की गिरफ्तारी को कहीं चैलेंज करेगी, किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई की जाएगी? देखें, जो अदालती निज़ाम का तरीक़ेकार है उसमें तो ज़रूर शामिल होंगे। आज वो नेक कोर्ट में पेश होंगे, जाहिर है कि यहाँ की जो जमानत की कोशिश की जाएगी या नहीं होती, फिर जो भी एक तरीक़ेकार है उसको एक आप तो करेंगे और वो करना भी चाहिए। जाहिर हर शख्स का हक है, जन का आइन किसी शख्स को हक देता है वो हक शरीर में उनको भी हासिल है, हम उसको करेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो इल्ज़ाम जिनके ऊपर हैं, अगर उनको आप इंडेप जाकर देखें तो मेरा ख्याल है कि जो चारों सूबों के रफात का कोई वजीर खिलाफ बचना नहीं चाहिए, सबको जेल में आना चाहिए, क्योंकि जो तरीक़ेकार बाकी सूबों में अडॉप्ट हो रहा है, जो बाकी हो रहा है वही सूबा सही हुआ था, जो परवेज़ रशीद ने किया या किसी और सूबे के वजीर इतला ने किया वही जैसे शर्जील इनाम ने किया। ना यहाँ के रेट ज़्यादा हैं, ना यहाँ से कोई और दरअसल अब केस बनाना था वो बना दिया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड कम अज़ कम तमाम जमातों और तमाम सूबों के लिए एक होना चाहिए। ठीक, आपका यही स्टांस है कि स्टैंडर्ड जो है वो सेम होना चाहिए, जिस तरीके से नून लीग के साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ भी कार्रवाई की जाए। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी के हवाले से हमने देखा कि कल दिन भर इसी हवाले से खबरें चलती रहीं और किस तरीके से उनको लेके जाया गया, किस तरीके से उनके साथ रवैया रखा गया। फरतुल्ला बाबर ने कहा कि उन पर तशद्दुद भी किया जा सकता है। देखिए, ये बदकिस्मती से ऐसी मिसालें मौजूद हैं और उसमें डॉक्टर आसिम के तौर पर स्टेटमेंट आपके सामने है कि उनकी कुछ वीडियोज रिलीज की गई और उसके बाद डॉक्टर आसिम का ये कहना है कि उन्हें काफ़ी कोई मेडिसिन दी गई थी, कोई हेवी डोजेज दी गई थी, जिसके बाद उसे जो है बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवाई गई। तो खदशा तो बहरहाल रहता है किसी की कस्टडी में जब लोगों को लिया जाता है। अच्छा। और हम तासुर ये है कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ जाती होती है, तो उस वजह से हमें ये खदशा जरूर है कि शायद इनके साथ भी कोई सकती है। सही। अच्छा सईद साहब, जैसे कि अभी अब प्रेशर तो डेफिनेटली बिल्ड किया जाएगा शर्जील मेमन पर भी, लेकिन जिस तरह से उज़ैर बलोच ने बहुत से अहम इंकशाफात कर दिए थे और अभी इमरान खान भी मुतालबा कर रहे हैं कि जी उसकी रिपोर्ट को भी मंजर आम पर लाया जाए, क्या समझते हैं आप, शर्जील मेमन भी कहीं किसी प्रेशर में आकर कोई ऐसा बयान तो नहीं दे देंगे? देखिए, जो हमारे यहाँ तहकीकात का तरीक़ेकार है उसमें तो आप जो चाहें किसी से कहलवा दें, लेकिन मुझे खान साहब पर हैरत होती है कि उन्हें उज़ैर बलोच की कई बातों पर तो यकीन है लेकिन जस्टिस वजीदीन की कई बातों पर यकीन नहीं है, बाबर की कई बातों पर यकीन नहीं है, आयशा गलवई की कई बातों पर यकीन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक जो नॉन क्रिमिनल आदमी है वो जो कह रहा है वो सारा ठीक है, लेकिन जो मौतबर लोग आपकी जमात के आपके ऊपर इल्जाम लगा के कह रहे हैं वो सारे गलत हैं। या तो पैमाना बना लें कि जो बात जिसके खिलाफ कही जाएगी वो दुरुस्त होगी तो फिर हम भी मान लेंगे इमरान खान जो कह रहे हैं वो बात ठीक है। और जहाँ तक बात है कि जी दबाव में कोई बयान लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, अब उस पर कुछ कहना कब लग जाते जब कोई बात होगी तब उस पर बात करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से देखा जाए तो बिल्कुल वो पेशावर में जाके तहरीक इंसाफ के गढ़ में जलसे भी कर रही है, 2018 के इलेक्शंस भी करीब हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो यही कहा जा रहा था कि जी जरदारी साहब के ऊपर से भी केसेस हट गए हैं, डॉक्टर आसिम वाला मामला भी सॉल्व हो गया है, अब ये शर्जील इनाम मेमन का जो मामला आया है इससे पार्टी की साख पर कितना असर पड़ेगा, डिस्टर्बेंस तो होगी सर? देखिए, जरदारी साहब के ऊपर से केसेस हटे नहीं हैं, उन्होंने 17-18 साल तक उन केसेस का सामना किया, अदालतों में जो एक ड्यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया, उसके बाद वो केसेस गलत साबित हुए। डॉक्टर आसिम अभी भी मुकदमा का सामना कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस खत्म नहीं हुए हैं और इसी तरह शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ केसेस तो 1-2 साल से चल रहे थे, अब वो गिरफ्तार हुए हैं और वो केस आगे चलेगा। तो मैं समझ
इन चीज़ों को जो हमारी सियासी हिकमत अमली उसके अलग रखा जाए, ये तो मुमकिन है, हो सकता हो कि हम पर दबाव डालने के लिए कुछ हथकंडे इख्तियार की जाएँ, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमेशा इस साबित तब्दील का मुजाहरा किया और मैं समझता हूँ कि शब्द में उन्होंने ये कहा। अच्छा, ये बताइएगा सईद साहब, इस वक्त आप एहतसाब अदालत में भी मौजूद हैं, कितनी देर तक आपको लगता है कार्रवाई शुरू हो जाएगी? शर्जी मेमन कब तक आएंगे? मुझे अभी जो बताया गया है वो 10:30 का कह रहे हैं, अब एग्जैक्टली तो मुझे अंदाजा नहीं है कि जब अफसरान की मजबूरी जब लाएंगे उनको। अच्छा सही। अच्छा सर, शर्जीले नाम मेमन के जो वकला हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है, सुनने में यही आया है कि जी उनके लिए जो है वो अब अपील की जाएगी हाई कोर्ट में, एक ऑप्शन है उनके पास, तो इस तरह की कोई कानूनी तैयारी की गई थी क्योंकि वो तो आए केसेस का सामना करने थे? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि जो प्रोविजन मौजूद हैं कानून में उन सबको इस्तेमाल किया जाएगा, और आज जब ये आएंगे अदालत में तो मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी तो उनका वकील क्लियर आया नहीं तो मैंने बात नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पर भी कोई बेल एप्लीकेशन होगी या फिर जुडिशियल कस्टडी की बात की जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कोई मुशावरती इजलास हुआ, कुछ बड़े रहनुमा मिलकर बैठे और उसके ऊपर कोई बातचीत की गई है? लेकिन अभी तो ये वाकया कल हुआ है शाम में लेट नाइट जी, और उसके बाद यकीनन उनके जो वकला हैं उनसे मशावरा करना बहुत जरूरी है ठीक। और उनके वकला आज जो सुबह की जो हेयरिंग उसकी तैयारी में थे, तो आज जो हेयरिंग हो जाएगी तो उसके बाद उनसे बातचीत होगी कि इससे क्या लायक इख्तियार किया जाए, लेकिन फैसला मसूली वही होगा जो उनके वकला जो है वो। अच्छा सईद बलूच साहब, इस वक्त शर्जील मेमन साहब की तबीयत के हवाले से भी बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं और लोग जो है टॉक शोज में भी ये बातें कर रहे हैं कि जिस तरह आसिम साहब की तबीयत खराब हो गई थी उसी तरह शर्जील मेमन साहब की भी तबीयत खराब हो गई, तो ये कोई एक हरबे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही है? देखिए, डॉक्टर आसिम की तबीयत से जो पहले जहाँ तक बात है तो अदालत ने हाई कोर्ट ने एक नहीं मेरा ख्याल के दो या तीन बड़े डॉक्टर थे उनको बोर्ड बनाए थे और फिर उन बोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी उसकी रोशनी में उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई, जितने हफ्ते के लिए वो गए उसके बाद वो वापस आ गए और आज पाकिस्तान में मौजूद है। शर्जील इमाम मेमन जी, आपको पता होगा कि वो दुबई और लंदन में भी ट्रीटमेंट अपनी करवाते रहे जी। अभी मुझे ये नहीं पता कि रात इसी वजह से क्या सूरत थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी ये कोई एक रवायती तरीका है तो मैं समझता हूँ थोड़ी जाती वाली बात है, एक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए किसी का भी मेडिकल रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, और अगर वो लंदन में हो या दुबई में हो तो मैं नहीं समझता उसको ये कहा जाए कि वो भी कोई मैनिपुलेटेड होगा, वहाँ के डॉक्टर्स को मैनेज करना या पुलिस को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा शायद मेरा समझ नहीं जाता। ठीक है, सईद बलूच साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ, सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे और सईद गनी साहब जो है ओवरऑल सिचुएशन से हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है शर्जील इनाम मेमन के हवाले से बातचीत की जाएगी, किस तरीके से उनकी जो वकला है उनकी टीम आज इन तमाम चैलेंजेस का सामना, तो बात वही है कि जब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जाता है कि वो तो आए ही केसेस का सामना करने थे तो फिर इतनी हलचल किस बात की है। गुड मॉर्निंग, आज में मजीद भी सवाले से गुफ्तगू करेंगे, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब आज के दिन की मुनासबत के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से आगही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहां आज भी बच्चे पोलियो का शिकार हैं। गुज़िश्ता एक दिहाई से पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम से जहां मुल्क में पोलियो केसेस में नुमाया कमी देखने में आई है, वहीं माहरीन दीगर हिफाजती टीकों को भी बच्चों तक पहुंचाने पर जोर देते हैं। पोलियो का वायरस जिंदगी भर के लिए इंसान को माजूर कर देता है और इस बचाव से इंसदादे पोलियो वैक्सीन के सिर्फ 2 कतरे हैं। दुनिया भर में 3 ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में आज भी पोलियो वायरस बच्चों को जिंदगी भर के लिए माजूर कर रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। 24 अक्टूबर को दुनिया भर में पोलियो वैक्सीन के मौजूद जोनास साल्क को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, क्योंकि इस वैक्सीन की बदौलत पूरी दुनिया को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। ये दिन सबसे पहले यूनिसेफ और ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव के तहत मनाया गया था। पोलियो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि अगर इसका बरवक्त तदारुक ना किया जाए तो ये ना सिर्फ बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना देती है बल्कि इनके वालिदैन को भी ऐसी अजियत में मुब्तला कर देती है जिससे निजात का कोई रास्ता नहीं होता। ये वायरस मुतासरा शख्स के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर अंदाज होता है जिसके नतीजे में फालिज हो जाता है। एक मुतासरा शख्स से फौरी तौर पर दूसरे शख्स में ये वायरस फैल सकता है और इसकी बाकायदा अलामात 2 हफ्तों के अंदर जाहिर हो जाती हैं, जिनमें गले की सूजिश, बुखार,
थकावट, कह, सर और पेट में दर्द शामिल हैं। मुल्क भर में पोलियो के खात्मे की कोशिशों को तकवियत देने और लोगों में इस बीमारी के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। अगरचे दुनिया से पोलियो के खात्मे की आलमी कोशिशों को हालिया बरसों में बहुत कामयाबियां मिली हैं और दुनिया भर में पोलियो के मर्ज पर 99% काबू पाया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान दुनिया के इन तीन ममालिक में शामिल है जहां पोलियो की बीमारी को खत्म नहीं किया जा सका। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो के लिए कौमी और सूबाई सतह पर एमरजेंसी ऑपरेशन सेल भी बनाए गए हैं, जबकि तकरीबन हर माह इंसदाद पोलियो मुहिम जारी भी रहती है। माहिरीन का इस हवाले से ये भी कहना है और वो इस बात पर जोर भी देते हैं कि जब तक पोलियो समेत दीगर हिफाजती टीकों को हर बच्चे तक नहीं पहुँचाया जाएगा, मुमकिन अहदाफ कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हर मुहिम में वालदैन अपने बच्चे को पोलियो की दो कतरे ज़रूर पिलवाएँ तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेंबर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन पोलियो डॉक्टर इकबाल मीमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज पोलियो के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान में पोलियो के अब सिर्फ 5 केसेस हैं। पाकिस्तान भर में पोलियो की मजमूई सूरत हाल के बारे में बताएगा और मुल्क में पोलियो के केसेस की रोकथाम के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आज पोलियो का आलमी दिन है और पोलियो एक ऐसा मौजी मर्ज है जो खुसूसन छोटे बच्चों के लिए अपाहज भी करता है तो मौत के घाट भी उतार देता है। इसके ख़िलाफ़ आलमी मुहिम चल रही है जैसे कि आपको पता है और ये कई सालों से चल रही है बदकिस्मती से, मगर हमारे यहाँ सिर्फ बाकी दुनिया में दो ममालिक रह गए हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। इनमें अभी भी केसेस हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल अभी तक 5 केसेस हुए हैं जो गुज़श्ता साल की नस्बत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, मगर एक भी केस वो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक केस जो है वो ये बताता है कि तकरीबन 99 से लेके 1000 तक के बच्चे ऐसे थे जिनको इस जरासीम ने छुआ मगर बीमार नहीं किया, अपाहिज नहीं किया। ठीक। तो 200 से लेके 1000 तक के मरीजों में जिनके ये जरासीम असरअंदाज होते हैं उनमें से आपको एक नज़र आ जाता है, इसका मतलब है जो वायरस है वो उस इलाके में, उस पानी में, फुजला में सर्कुलेट कर रहा है और वहाँ पे बच्चों को। सर ये चीज़ें और ये तमाम फिगर्स अपनी जगह, जो काविशें की जा रही हैं इसकी रोकथाम के लिए वो भी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान अब भी इस साल भी पोलियो फ्री नहीं हो सका। आए दिन हम देखते हैं पोलियो का कोई ना कोई केस जो है वो सामने आ जाता है, कभी बलूचिस्तान से तो कभी KP केस से, अभी आखिरी दिनों भी हमने देखा कि इसी तरह का कोई केस सामने आया था। क्या समझते हैं आप, वजह क्या है, कहाँ पर लैक हो रहा है? पोलियो बदकिस्मती से हमारे पास से इसलिए नहीं जा सका है कि इसके अंदर कई मसाइल हैं सामने। सही। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल पहले उठा लूँ क्योंकि अपनों की तरफ उंगली उठाना ज़्यादा अच्छी है। हालांकि हमारी तरफ से काविश ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है, पहले से बहुत बेहतर हो गई है, नज़रदारी भी बेहतर हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई है, मगर अब भी हम हर बच्चे तक पहुंच नहीं पा रहे। कुछ फैमिलीज़ मना कर देती हैं उनके खौफ की वजह से, उनके तवहमात की वजह से, और कुछ बच्चे छुपा देते हैं वो भी खौफ की वजह से। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पा रहे। इस दरमियान में जो टीमें बनती हैं वॉलंटियर्स जो घरों तक जाते हैं वो उस इलाके के नहीं होते थे तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, कोई उनको आने नहीं देता था। कुछ फायरिंग वगैरह के भी दहशतगर्दी के सिलसिले हुए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी टीमें लोकल बन रही हैं, उसी एरिया के लोगों की बन रही हैं ताकि उनको लोग पहचानें और जाएं, क्योंकि दहशतगर्दी का भी हिस्सा है और दूसरा हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं उनका वहाँ के कबीलों वाले अंदाज में जो रहाइश है तो उसमें वो भी एक रुकावट थी। तो ये सरकमेंट हो रही है। फिर लोगों के आने जाने और टीमों को ले जाने की तकलीफ तक शिकायत कम हो रही है, मगर पोलियो के कतरों को आपको बर्फ़ में रख के, ठंडा रख के ले जाना होता है ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि ये गर्मी के अंदर वैक्सीन ख़राब हो सकती है। अब लोगों को खदशा ये थे कि ये हमें जो पिला रहे हैं वो ख़राब वैक्सीन हो गई और उसको देने से कहीं बच्चों को नुकसान ना हो,
टेस्ट भी तो नहीं कर सकते ना सर। वैक्सीन के खदशात को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कई लोग इसके ऊपर बयान दे चुके हैं और हम भी फिर से हमारे दोस्तों को बताएंगे कि खराब कतरे नुकसान नहीं करते अगर खराब हो गए। और मगर ये जरूर है कि अगर खराब है तो अपना फायदा भी नहीं देंगे। अब आप जो है ना, जब आपके पास लोग आते हैं तब आप उसको देख सकते हैं कि ये कतरे खराब तो नहीं हो गए। उस छोटी सी बोतल के ऊपर एक गोल दायरा पर्पल कलर का होता है जी जी। उसके दरमियान में एक चौकोर सफेद खाना होता है। अच्छा। अगर आप उस चौकोर खाने को देखें जो सफेद होना चाहिए, अगर वो पर्पल हो गया तो इसका मतलब है कि कतरे खराब हो गए। अच्छा। यानी पूरा दायरा जो है वो पर्पल ही पर्पल है, सफेद चौकोर बीच में नजर नहीं आ रहा। इसको हम VVM कहते हैं, वायल मॉनिटर होता है। और ये हर कोई देख सकता है रंग और ये दायरे के अंदर चौकोर। तो इसलिए आप कोई खदशा ना करें। अगर कोई आपके पास कतरे ले आया और वो आपको ये देखने के बाद पता चला कि ठीक है, तो अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि एक बच्चे को या मुख्तलिफ इलाकों में जो बच्चे कतरे नहीं पिएंगे तो उस इलाके में हम वायरस के लिए चोर खिड़कियां और दरवाजे खुले छोड़ रहे हैं। ठीक है। वो फिर उनको मौका मिल जाएगा कि भाई जहाँ पे दिफाई निज़ाम कमज़ोर है वहाँ पे वायरस जो है वो अपना अपने आप को जिंदा रखेगा और फिर फलता फूलता जाएगा। इसके ख़त्म करने का तरीक़ाकार ये है कि आप चारों तरफ सारी दीवारें दिफा की मजबूत कर दें, यानी हर बच्चे के पास दिफाई निज़ाम मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके लिए प्रॉपर होने चाहिए और ये पोलियो के कतरे जो है जरूर पिलाने चाहिए। अगर एक्सपायर भी हो जाए आपके मुताबिक तो नुकसान नहीं देंगे तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। अच्छा, पोलियो वर्कर्स के बारे में कुछ बात करते हैं कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि ये दिन इन लोगों के लिए भी होता है, मगर यहाँ पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स का ये आलम हो गया है कि वर्कर्स भी मुहिम का हिस्सा बनने से पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं इनसे काफ़ी खौफ की फिजा जो है वो पैदा हो गई। मगर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं वो डेफिनेटली काबिल तारीफ हैं, मगर इन वर्कर्स को मोटिवेट अब किस तरीके से किया जाए? देखिए, वर्कर्स हमारे जो पोलियो के सिलसिले में हमें वर्कर्स वॉलंटियर्स होते हैं, इनको ज़रूर कुछ पर डीएम करके कहते हैं, यानी उस रोज़ाने का खर्चा दिया जाता है जी। इस वजह से कुछ लोग आने भी लगे, मगर फिर आप सबको पता है, हमें भी पता है कि किस तरह इनके ऊपर हमले हुए। हमलों के बावजूद भी वॉलंटियर्स घर घर गए हैं और उनको सिक्योरिटी फराहम की गई है। हमारी फ़ौज ने भी दी है, हमारी पुलिस ने भी दी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दी है, मगर ये फिर भी नडर होके काम करने आए हैं। ज़रूर कुछ लोग उसमें से ड्रॉप आउट हुए हैं। इनमें ज़रा बदली यूँ है कि एक तो कामयाबी ज़रा दूर करीब नहीं आ रही है, वहीं पर ज़रा लटकी है, अभी दरवाजे इस किनारे पर है, इस किनारे पर है, मगर दूसरी बात यह कि एक ज़माने में अभी भी दे रहे हैं वो जो इनको पर डीएम मिलता है या अखराजात का दिन का खर्चा मिलता है, उसके अंदर कुछ बेकायदगियाँ महसूस की गई। अब क्या किया गया कि एक तो उसको अमाउंट को कुछ बेहतर किया गया, मेरे नज़र में अभी इतना अच्छा नहीं है मगर फिर भी बेहतर किया गया, और उसको हमने ये सिस्टम जो है वो उनके NIC कार्ड के हिसाब पे नंबर पे इनके अकाउंट में जा रहे हैं डायरेक्ट, यानी किसी को बीच में हाथ लगाने की गुंजाइश नहीं है। तो हमें वर्कर के जो ज़रा उसकी इनका साथ हमें बेहतर मिल रहा है, वो उसमें शामिल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर भाई हमारे मुआशरे में सच्ची बात ये है कि हम लोग खाना और कमाना दोनों जानते हैं और सेहत पे लगाना जल्दी से हो जाए, मगर उसके लिए दिल लगा के काम हर एक नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब नहीं करते, हर एक नहीं करता, और उसको वो जज्बा एक वलवला होना चाहिए, उनको ये उजागर करना चाहिए कि देखो ये काम सिर्फ आपके उस दिन के पर डीएम और रोज़ का खर्चे का नहीं है जी। ये काम ऐसा है जो हम खिदमत कर रहे हैं हमारे बच्चों की, हमारे कम्युनिटी की। अगर हम उनको ये कतरे सही तौर पर पिला के आएँ, सिर्फ खाना पूरी ना करें, तो फिर
हम इंशाल्लाह इस सर थैंक यू सो मच सर आप हमारे साथ थे पोलियो के हवाले से पोलियो के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान में क्या क्या काबिशें हो रही हैं और कहां पर हम लोग लैग कर रहे हैं डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव जो अगर बात करें तो उस लिहाज से हम लोग बहुत पीछे हैं और अभी भी लोगों को एतमाद में लेना वर्कर्स को एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी है। खैर अब कुछ बात कर लेते हैं हम अपनी उस खबर का जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रही थी कि आज बड़ी अच्छी खबर है और हमने सोचा था कि अपने दिन का आगाज़ भी इस अच्छी खबर से करेंगे जो आपका सबब बताएंगे। अच्छा जी चलें जी अच्छी खबर मैं बता देती हूँ डेफिनेटली मैच के हवाले से। पाकिस्तान ने 5 मैचेस की वनडे सीरीज श्रीलंका को व्हाइट वॉश करके टेस्ट सीरीज का हिसाब बराबर कर दिया। लंका ढा दिया शाहीनों ने। 5वें वनडे में श्रीलंकन को 9 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 5 विकेट लेने वाले उस्मान खान शनवारी मैच कि जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है उसमें पाकिस्तानी टीम जमकर खेले और टेस्ट सीरीज भी जो है वो अपने नाम बिल्कुल और उस्मान शनवारी के हवाले से उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे और कॉम भी बहुत खुश थी। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो सरप्राइज़ दिया है। डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो ये होता है अगर आप अच्छा खेलेंगे लोअर लेवल पर तो फिर अपर लेवल पर आपको एप्रिसिएशन तो मिलेगी। गुड मॉर्निंग आज में यह वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा बट डोंट गो एनीवेयर स्टे विद अस कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज और अब कुछ बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की। डॉक्टर्स और मुलाजमीन की हड़ताल का आज आखिरी रोज है। हड़ताल पर जहां हुकूमत खामोश है वहीं डॉक्टर्स और मुलाजमीन अपने मौकफ पर डटे हुए हैं। बिल्कुल जनाब दवाहकीन का अपने मरीजों को एक शोबे से दूसरे शोबे तक ले जाना भी मामूल बना हुआ है। मरीजों के लवाहकीन कहते हैं कि सख्त मुश्किल से गुजर रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि पिम्स अस्पताल के साथ यूनिवर्सिटी का इलाज किसी सूरत कबूल नहीं जबकि यूनिवर्सिटी से अलहदगी का नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर तक जारी ना किया गया तो अस्पताल की मुकम्मल बंदिश का ऑप्शन भी मौजूद है। हुकूमत का ये भी कहना है कि वजीर आजम ने अस्पताल को यूनिवर्सिटी से अलग करने की मंजूरी दे दी है जबकि विफाकी काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी होने से दोनों इदारे अलहदा तस्वुर भी किए जाएंगे। बस फिर क्या एहतजाज के बायस अब तक 3000 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो सके जबकि रोजाना की बुनियाद पर हजारों मरीज इलाज की सहूलत से भी महरूम है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिम्स अस्पताल के एमएस जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। बताएं ये मामला है क्या कि पैरामेडिकल के स्टाफ और डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने की बुनियादी वजह क्या सामने आई है? उम्मन डॉक्टर्स ऐसा करते नहीं है सर। एक अनफॉर्चुनेट बहुत ही सिचुएशन है और जो पिम्स हॉस्पिटल है इसको यूनिवर्सिटी का कोई 3-4 साल पहले दर्जा दिया जा चुका था। असेंबली ने लास्ट असेंबली ने बिल पास किया था और उसके बाद यह जाहिर है ये ऑटोनमस बॉडी यूनिवर्सिटी बन गई थी और फिर चॉइस ली गई थी सिविल सर्वेंट से कि वो सिविल सर्वेंट्स रहना चाहते हैं या वो यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने मोस्टली सिविल सर्वेंट ही रहना पसंद किया। उसके बाद एक तहरीक इधर चली थी कि पिम्स हॉस्पिटल को यूनिवर्सिटी से अलग किया जाए ताकि पिम्स हॉस्पिटल के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके मसाइल नहीं बने कोई उसमें रुकावट ना आए और यूनिवर्सिटी एक अलहदा चलती रहे ये सबका मुत्तफिका फैसला था। और इसमें कई दफ़ा एहतजाज और हड़तालें हो चुकी हैं और अभी ये आखिरी हड़ताल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी के ये एज सच शुरू पहले दिन से ही ये मौक़ था कि ये बिल्कुल अलहदा हो जाए इस तरीके से कि दोनों अदारे चलें एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें और बेहतर तरीके से चलें और ये पॉसिबल है कोई ऐसा ये अजूबा नहीं है कि इस दौरान हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज भी आ गया फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज तो उसकी वजह से आम तौर पे कॉलेजेस ही अपग्रेड होते हैं यूनिवर्सिटी को तो ये अलाइनमेंट बहुत ईजी हो गई हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अलाइनमेंट पूरी हमने की हमारे जिस हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो एपेक्स बॉडी है सिंडिकेट उसने एक साल पहले अक्टूबर 2016 में ये सजेस्ट किया कि एक हुकूमत इनको इस तरीके से अलहदा कर दे और इसका एक बिल तरमीमी बिल चला जाए जिसमें ये चीज़ें एड्रेस हो जाएं ताकि मेडिकल कॉलेज भी चले यूनिवर्सिटी भी चले और पिम्स भी उनके भी जो एक तहफ़ुज़ात हैं हुकूमत तो एग्री कर चुकी है और उम्मीद करते हैं कि इनके तमाम तहफ़ुज़ात भी दूर हो जाए लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब भी कोई एहतजाज होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना भी मरीजों को करना पड़ता है तो इस हवाले से कोई लाहे अमल पहले से क्यों नहीं तैयार किया जाता कि मरीज परेशान ना हो चाहे आप एहतजाज जितने मर्जी रोज का करें। देखें जी पूरी कोशिश की गई मेरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से हम सब ने और इवन मिनिस्टर साहब ने भी पूरी कोशिश की कि उनको रिलीफ मिले और हमने बहुत नेगोशिएशंस भी की मिनिस्टर साहब ने भी की एडमिनिस्ट्रेटर के वो कोई किसी ना किसी तरह कुछ रिलीफ मिले और मिला भी। जब उनको ये यकीन दहानी हो गई कि उनका बिल अब आगे प्रोग्रेस कर रहा है कैबिनेट में जा रहा है तो उन्होंने इसको लिमिट कर दिया
एक टोकन स्ट्राइक कर दी और एहतजाज की सूरत में कर दिया, जो कि एक हक है किसी भी, और मरीजों को कम से कम उसके बाद तकलीफ़ हुई। बाकी मैं ये समझता हूँ कि किसी मरीज़ को भी अल्लाह करे आइंदा ये तकलीफ ना हो। हमें मरीज़ को अपनी इस इक्वेशन से बाहर रखना चाहिए। जो भी हमारे मुतालबात हों, हम भूखे भी मर जाएं, हमारी नौकरियां भी चली जाएं, मरीज़ की हमें जो भी उसकी बीमारी है उसका, क्योंकि हमने ओथ लिया हुआ है, हिपोक्रेटिस ओथ, डू नो हार्म, हम पाबंद हैं कि मरीज़ की तकलीफ को दूर करने के जल्द अज जल्द एज ए ह्यूमन बींग भी, और उसके बाद हम उनका इलाज करने पे पाबंद है। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती जब हम डॉक्टर्स बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप, कि कोई दो नहीं सकती। डॉक्टर्स ने ओथ लिया होता है कि वो कभी किसी मरीज को ना नहीं कहेंगे, लेकिन आजकल की सूरत हाल के मुताबिक हम देखते हैं कि एहतजाज तो जारी है। आने वाले दिनों की सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो दोबारा हड़ताल होती है सर, तो कोई प्लान तैयार किया है जिससे मरीज एटलीस्ट परेशान तो ना हो और ओथ की भी थोड़ी इज्जत रह जाए? देखिए, हमारे पास अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम तो ये चाहेंगे कि बिल्कुल ना हो, हम तो ये चाहेंगे कि किसी सूरत भी ये ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली हमारे पास कंटिंजेंसी प्लान्स हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमने वो गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किए हुए हैं, उनको एक्टिवेट किया जाएगा अगर अल्लाह ना करे कि ज़रूरत पड़े। हमारी दुआ यही है कि लोगों के मसाइल बहुत पहले हल हो जाएँ, ताकि ये नौबत ना आए, ताकि वो जो उनको उन्होंने काम करना है वो करें, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे उनसे ज्यादती हो रही है तो। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ थे, एसएम जावेद साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद थे, और फिर अस्पताल में जो एहतजाज किया गया उस हवाले से अपडेट करें तो उम्मीद करते हैं आज एहतजाज खत्म हो जाए, तो उसके साथ साथ डॉक्टर से जो तहफ़ात हैं वो भी खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब, और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें आज जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे अमरीकी वजीर खारजा का, तो रेक्स टिलरसन आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। रेक्स टिलरसन इससे कबल गैर एलानिया दौरे पर अफगानिस्तान पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। अफगान सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेक्स टिलरसन का कहना है कि दहशतगर्दों की पनागाहों के खात्मे के लिए ट्रंप इंतजामिया का पैगाम लेकर पाकिस्तान जा रहा हूं, जबकि अफगानिस्तान में अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। अल्लाह जाने भारत में क्या मौकफ अपनाएंगे ये। और जापान में मिनामी जोआ योकोसोका समेत जनूब मगरबी साहली इलाकों को समंदरी तूफान लेन का सामना है। तूफान के बायस 123 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे निजाम जिंदगी धरम भरम है। जापानी हुकाम ने ट्रेन और फेरी सर्विस समेत 300 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल के बायस कई हजार लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत भी की जा रही है। टाइफून जापान में आया जनाब, बहुत ही खतरनाक किस्म का ये तूफान है, और अल्लाह ही जो है वो इस तरह की जो कुदरती आफात है उससे हम सबको महफूज रखे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब कुछ बात करेंगे खाने पीने की। खाने पीने का वक्त आ चुका है सबा, क्या दिल कर रहा है भाई खाने पीने की? तो आजकल मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या इशूज चल रहे हैं, थोड़े छाले वाले हुए हैं तो बोलने में भी थोड़ा मसला होता है। मैं मुनीजा को यही कह रही थी कि आज ऐसा लगेगा क्योंकि एंकर जो है वो हकली हो गई, ऐसी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम चल रही है। खैर, अब रैपिड रेसिपी की जाने बढ़ते हैं, और ये रेसिपी अनम ज्यादा इंजॉय करेंगी मेरे बनिस्बत, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू है। चल के देखते हैं रैपिड रेसिपी।
चैलेंज। ये रेसिपी आपने देखी, उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मजीद इसकी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप फेसबुक से ले सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट पर। जी हाँ बिल्कुल। और अब कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करते हैं, जिसमें आपको तो पता ही है कि किस तरीके का बयान जो है रियाज पीरजादा ने दिया है। इस पर बात करने के लिए जो हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर ये बताएं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाएगी और ये शीन लीग बनने जा रही है। आपको आवाज आ रही है फवाद चौधरी साहब? नहीं, कट गई। जी मुस्लिम लीग नून के हवाले से पूछना चाह रहे थे, जो भी इनके इंटरनल मामलात हैं, नून लीग से शीन लीग बनने जा रही है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त नून लीग के अंदर मामला चल रहे हैं, ये जाहिर है कि उनके अंदरूनी मामलात हैं, और जिस तरह भी वो अपने आप को शक्ल करें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पीएमएलएन को बहैसियत एक जमात जो है वो बचना भी चाहिए और उनकी एक सियासी जो इम्पोर्टेंस है वो कायम भी रहनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि मुल्क को कौमी सियासी जमातों की ज़रूरत होती है, और सियासी जमातों का एक इदारों की हैसियत रखती है, उनको इस तरह से जो है वो तबाह नहीं होना चाहिए। अब ये कहना कि ये शीन बन जाएगी या चौधरी निसार बन जाएगी या क्या बन जाएगी, ये डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी अगली सियासत जो है वो कैसे करेंगे। अगर वो अकल, इस वक्त मसला ये है कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए अपने केसेस से बचना अहम है, लेकिन जो बाकी उनके साथी हैं उनके लिए अपनी सियासत बचाना अहम है। तो एक डाइवर्जेंसी है दोनों में, वो अपनी सियासत बताना चाहते हैं, वो अपने किस्से से निकलना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ के अगर आप बयान देखें तो वो बड़े तुंदो तेज हैं, और वो उनके केस से मुतलका है। जबकि ज्यादा साहब को आप देखती हैं, निसार को देखती हैं, बाकी लोगों को देखती हैं, वो अपनी सियासत के ऊपर, जाहिर है कि उनको, उन्होंने अगले इलेक्शन लड़ने हैं, वो कहते हैं हम इन हालात में अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, लिहाजा वो जो है अपनी सियासत बचा रहे हैं कि अपने केसेस बचा रहे हैं। मुझे लगता यही है कि आगे जाके ये पीएमएलएन जो है वो एक इस तरह जिस तरह सूरत है उस तरह रहना तो इसका मुश्किल है। देखते हैं कि इतनी लीडरशिप किसको मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, नून लीग के आपने जैसे कि अभी खुद कहा है कि इंटरनल मामलात है, तो डेफिनेटली किसी को उस पर एतराजात नहीं होने चाहिए, लेकिन पहले तो नवाज शरीफ से जो एतराजात थे वो अपनी जगह, अब इमरान खान शहबाज शरीफ के हवाले से भी कह रहे हैं कि हम उन्हें आगे नहीं आने देंगे, तो क्या तहफ़ुज़ात है जो तहरीक इंसाफ है उसके तमाम मामले पर? देखिए, हमारे तहफ़ुज़ात पार्टी से मुतल्लिक नहीं है, ये शख्सियात से मुतल्लिक है। शख्सियात से मुतल्लिक ये जो मामलात ये हैं कि आप देखें कि एक अगर क्रिमिनल केसेस हैं आपके ऊपर, तो ये इल्ज़ाम ये है कि 30,000 करोड़ रुपया 16 कंपनियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से बाहर ले गई हैं, और उनके बच्चे वो कंपनियां चला रहे हैं। हसन नवाज शरीफ 99 में कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है, 2006 में उन्होंने 600 करोड़ रुपए का घर खरीदा हाइट पार्क में। अब सवाल यह है ये पैसे कहाँ से आए? तो क्या ये तो आप खुद जो है वो पैसे, आप टैक्स पेयर हैं, आप दोनों, आप और जो सारे मीडिया में लोग काम करते हैं ये सब, अब ये पैसे का ख्याल रखना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी मुल्क में, अगर आप यही हम करेंगे, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी इल्जाम यही है कि हुदैबिया बिल में जो मोटरवे बनी है लाहौर इस्लामाबाद, उसकी 16 अरब से उसको बढ़ा के 21 अरब किया गया, और वो 6 अरब रुपए जो है वो बाहर चले गए, और वो 6 अरब रुपए फिर वापस आए। अब सवाल ये है कि ये इल्जाम जो है आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस पर एक मंतकी इल्जाम तक पहुंचना चाहिए मामला, या फिर हम ऐसे ही करते रहे? अब हमारी कोशिश ये है कि जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है इसको कॉन्क्लूड होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे साहब के अमल को कॉन्क्लूड होना चाहिए। नून लीग की जानिब से यही कहा जाता रहा है फवाद चौधरी साहब कि हम तो 7 पुश्तों का हिसाब दे रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के साथ मामलात कुछ अलग हैं। अच्छा, आज नायली केस की भी समाप्त होने जा रही है, क्या कुछ देख रहे हैं आप, क्या कुछ होने जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले? पहली बात तो ये है इसलिए अलग है कि नवाज शरीफ साहब 31 साल से पाकिस्तान में अनाने इख्तदार के ऊपर है, पाकिस्तान का खजाना उनके पास जा है, नवाज उसके मुकाबले में इमरान खान और या जीवन जहांगीर तरीन ये लोग पाकिस्तान में इस तरह से इकतदार के ऊपर तो फिर नहीं रहे। तो जाहिर है कि एक फर्क तो ये आ जाता है कि एक कौमी खजाना मतलब बस है, फिर जो मनी प्लेन है टोटल इमरान खान की वो 6 लाख पाउंड की है, 6,72,000 पाउंड की, यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपया है। तो ये बहुत, फिर तीसरा ये है कि इमरान खान ने बाहर क्रिकेट खेले,
वहां से पैसे पाकिस्तान आए, यहाँ पे पैसे यहाँ से पाकिस्तान से बाहर गए। तो जाहिर है कि इसमें तो बड़ा फर्क है, दोनों केसेस को बिल्कुल जो है वो इकट्ठा किया भी नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ हमारे साथ थे। और नून लीग का यही स्टांस है कि हम तो सात पुश्तों का हिसाब दे रहे हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात की है फवाद चौधरी साहब ने कि नून लीग के हवाले से जो मामला हैं वो कौमी खजाने का मामला है, जबकि इमरान खान साहब के जो मामला हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। और अगर बात की जाए शर्जील नाम मेमन के हवाले से, तो उसके हवाले से भी इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं कि जी अब जरदारी के बाद जो है अब दीगर उनके गुजरा की बात। बिल्कुल जनाब, और अदालत की जानब से कुछ और ही कहा जा रहा है, उनका कहना है कि दोनों केसेज में बहुत ज़्यादा ममासलत भी है। एनी वे, ये तो तमाम सूरत हाल रही आज के दिन की, और उम्मीद करते हैं कल जब हम आपके पास आए तो कुछ नई अच्छी और खुशगवार खबरें भी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमान के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।